हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत्स मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हल्दी कुटाने का दिन और मैं घर पे आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसे सब कोई कैसे कहाँ बैठेगा, कैसे हल्दी कुटाएगा। अभी गेस्ट तो आया नहीं है कोई भी, बस हम ही लोग रेडी हो गए। देखिए गंदा लगा हुआ है सभी का बैठने के लिए। ये सिलपटा में हल्दी कुटाता है हम लोग का। इसमें उधर देखिए पापा, इधर मेरे देवर, अभी तुम लोग रेडी नहीं हुई अभी तक। सभी गेस्ट लोग आके कब से वेट कर रहे थे हल्दी कुटने के लिए, बट कैमरामैन के चलते इतना लेट हो गया। उन लोग शाम से आते आते शाम कर दिए उन लोग, और कब से सभी कोई बैठा हुआ था कि कब कैमरामैन आएगा, हल्दी कुटाने का रसम स्टार्ट होगा। उन लोग के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ, बट बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ पे सभी कोई आपस में ऐसे बात कर रहा है। देखिए स्टार्ट हो गया, मैं मेरे से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं कूटी हल्दी। एक बार वापस यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ सभी को नाश्ता कराने के लिए। ऐसे नाश्ता मैं मिठाई वगैरह पहले दे चुकी थी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज इतना बिजी थी कि किसको मैं कैमरा दूँ अपना पकड़ने के लिए समझ में नहीं आया। तो मिठाई के बाद यहाँ पे इडली सांभर चटनी मैं सर्व कर रही हूँ सबको, तो मेरी बेटी को दी मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए कितना बिजी हूँ मैं, एकदम भी टाइम नहीं था, बात करने का टाइम नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, वो भी याद नहीं था मेरे को बिल्कुल। ध्यान बाद में याद आया कि हाँ रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगी तो। तो यहाँ पे मैं सबको इडली सर्व कर रही हूँ। बहुत कुछ आज मिस भी हो गया, बहुत ऐसा रसम था जो मैं आप लोग दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज सूट ही नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं था एकदम भी, इतना बिजी थे मैं। अब यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। आज के दिन हम लोग में दाल पूरी खीर और सब्जी बनता है। दाल पूरी खीर हम लोग में बहुत शुभ माना जाता है, कोई भी मतलब अच्छा काम हो उसमें हम लोग में दाल पूरी और खीर ज़रूर बनता है। तो उसके साथ साथ सब्जी भी मैं बनाऊँगी, आलू फूल गोभी का, और कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि सुबह से बहुत कुछ बनाई हूँ। अब एकदम आज मतलब मन नहीं कर रहा, अब एकदम थक गई हूँ, इसलिए बस यही काफ़ी है, एक सब्जी दाल पूरी और खीर। मायके में काम करने का एकदम भी हैबिट नहीं है मेरा, मतलब कभी स्टार्टिंग से की भी नहीं, शादी से पहले भी बिल्कुल भी नहीं की, और शादी के बाद भी कभी करना नहीं पड़ा। माँ कभी करने ही नहीं देती थी, शादी के बाद जाती थी तो माँ नहीं है तो मुझे करना पड़ रहा है इतना काम, और बहुत सारा सामान मिलता भी नहीं है जल्दी मुझे।
और कर भी नहीं पाती हूँ मैं यहाँ पे, मेरे से काम ही नहीं होता मायके में बिल्कुल भी। ससुराल में तो चल बहुत कर लेती हूँ काम, एक सामान ढूंढने में ही बहुत टाइम लगता है मुझे। ये देखिए दाल बैठा रही हूँ, चना दाल बॉयल करने के लिए, दाल पूरी बनाने के लिए। तो मैं इसमें हल्दी नमक डालूंगी बॉयल करके, फिर उसे पीस के आटा में स्टफ करके पूरी जैसा बेल के फ्राई होता है। तो मैं यहाँ दाल बैठा दी, बैठा दूंगी। फिर कुछ ढूंढ रही हूँ मैं, नमक का डब्बा अभी तक नहीं मिलता है जल्दी मुझे। एक बार बना लूंगी फिर सेकंड टाइम फिर वापस ढूंढने लगती हूँ मैं। क्योंकि मेरी सिस्टर भी यहाँ पे कुछ कुछ कर रही है, और मेरी देवरानी भी कुछ कुछ कर रही है काम। वो आलू छील रही है मेरी देवरानी। बस Thank you.
वीडियो का क्वालिटी अगर कैमरा बहुत हिल रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर मारिएगा, बिकॉज मेरी बेटी के हाथ में कैमरा था। तो एक बच्चा कितना ही रिकॉर्ड कर पाएगा, कोई था नहीं वहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला, सब अपने में इंगेज था। मैं किसको बोलती थी, मैं अपनी बेटी को ही बोली कि चलो ना से हाँ तो सही, कुछ तो रिकॉर्ड करेगी, तो मैं उसे ही दे दी रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत कैमरा हिला रही थी, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे बैठ के वो हल्दी कूट रही है। ये हम लोग में कि सब का कूटने के बाद जो सबसे बड़ा होता है एज इट, वो जितना हल्दी पता सारा कूटता है। तो मेरी बेटी ही सारा बैठ के इतनी अच्छे से सारा हल्दी कूटती। देखिए फिर से घर जाना पड़ रहा है, मेरी बेटी की मिस आई है पढ़ाने के लिए, तो इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, बस करना यही पड़ रहा है। इसके बाद किचन का जो काम है वो करेंगे आके हम लोग। अब मैं निकल गई हूँ घर जाने के लिए। साड़ी में बहुत देर तक रह के बहुत परेशान हो गई थी मैं, फिर घर भी जाना था तो मैं फटाफट चेंज कर ली कुर्ती पहन ली। अरे बेटी की मिस भी आई हुई है पढ़ाने के लिए, तो मैं चेंज करके चली जाऊँगी। साड़ी पहन के इतना दौड़ना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। आज मैं आ गई घर पे। देखिए गाइस, ये मिस के लिए आना पड़ा मेरे को इस घर में, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई और मुझे परेशान की मिस।
अपना फेस ने आपके चलते आना पड़ा मुझे इतना दूर से। बाय मिस, अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ा के इसको घर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? अब ये काम ही है, अब घर पे आई गई मेरा माइक, अब जा रही हूँ किचन में, किचन का काम बाकी है, किचन का काम करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। गाइस, हल्दी कुटाने का रसम हो गया है और हल्दी कुटाने के बाद हम लोग में दाल पूरी, खीर, सब्जी बनता है और ऐसे सबका नाश्ता में तो इडली और सांभर सभी कोई खाया है। अब दाल पूरी, खीर और सब्जी सभी कोई खाएगा। सो मैं ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।